हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मानी टेक सॉल्यूशन। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वीडियो जिसका बैकग्राउंड जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतनी ही ज़्यादा वीडियो में जो है इंटरेस्ट पैदा होता है और व्यूवर्स जो है उसी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं और उस पर व्यू देते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड निकला हुआ है उसमें वीडियोज़ के अंदर या वीडियो क्लिप्स के अंदर जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो स्मोक इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं डिफरेंट किस्म के, जिससे कि आपकी वीडियो में जो है वो जान पैदा हो जाती है और लोगों में उसको देखने का इंटरेस्ट पैदा होता है और आपकी वीडियो के अंदर ना सिर्फ खूबसूरती आती है बल्कि उसमें अट्रैक्शन आती है। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक भी इसी मौजू पर है, और यानी कि आपकी कोई भी वीडियो है उसके अंदर आप बैकग्राउंड में जो है स्मोक इफ़ेक्ट कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन, काइन मास्टर की एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम ये एडिशन करेंगे। नंबर टू, आपके पास स्मोक इफ़ेक्ट्स की वीडियो क्लिप होनी चाहिए जो कि आप गूगल से या फिर यूट्यूब से फ्री वाला जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नंबर तीन, आपके पास ग्रीन वीडियो में ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर कोई वीडियो होनी चाहिए। तो ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर जो स्लाइड या वीडियो होगी उसके वो कैसे बनानी है उसके लिए मैं एक इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप ये देख सकेंगे कि किस तरीके से आप ग्रीन वीडियो बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं पहले से ही डाउनलोड करके रखनी चाहिए। तो आइए चलते हैं मेरी इस वीडियो की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में जो है स्मोक इफेक्ट कैसे लाए जाते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली जो है इस तरीके के मुफीद वीडियो जो है वो मिल सके। तो आइए चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस काम के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है काइन मास्टर। जी हाँ, काइन मास्टर ये आपके मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। आइए इसको क्लिक करते हैं। ये मैंने गूगल प्ले स्टोर अपना ऑन किया है तो इसमें मैं सिंपली जाकर सर्च करूँगा काइन मास्टर। देखिए ये ऊपर ऑलरेडी आ गया है, तो जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाएगा। हो सकता है कि आपके मोबाइल में किसी और तरीके का इंटरफेस हो। अच्छा, इसमें ये बताता चलूँ कि ये एप्लीकेशन जो है वो दो तरीके की होती है। एक पेड वर्जन यानी कि जिसकी कि आपके पेमेंट कटती है मंथली सब्सक्रिप्शन के ज़रिए, और दूसरी जो है फ्री होती है। तो ऑब्वियसली आप फ्री वाली डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए मैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, तो मैं बगैर टाइम साइ किए अपनी इस एप्लीकेशन को, ये देखिए काइन मास्टर, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर चार जो ये ऊपर आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट हैं, इन पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और अब हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो को जो सब्जेक्ट है कि वीडियो के बैकग्राउंड में जो है स्मोक कैसे डालें या स्मोक इफ़ेक्ट कैसे डालें। तो आइए मैं ये प्लस के निशान को जो सेंटर में सर्किल में, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये तीन किस्म के आपको वीडियोस बनाने के जो ये प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो जिसे कह लें आप, ये आ गए। तो हमने इस काम के लिए समझाने के लिए मुझे आपको एक सेंटर वाला जो है 9.16 ये सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए आपके पास ये इंटरफेस इस तरह का खुल चुका है। अब याद रखिए कि ये चीज़ तो आ चुकी है। अब ये बात एक याद रखिए कि जब भी आप कोई चीज़ वीडियो एडिट करते हैं या उसके बैकग्राउंड में कुछ दिखाना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो चाहिए ग्रीन स्लाइड में और एक चाहिए आपको स्मोक वाली में, ठीक है ना। तो इन दोनों के लिए आपको एक और ब्लैक ग्राउंड सेलेक्ट करना होगा जो कि इसी एप्लीकेशन की बाय डिफ़ॉल्ट में मौजूद है। तो आइए उसको हम क्लिक करते हैं। इसके लिए हमें मीडिया पर क्लिक करना पड़ेगा। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे टॉप पर लेफ्ट पे टॉप पर बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि एप्लीकेशन के अंदर ही काइन मास्टर के अंदर ये दिए हुए हैं फ्री में। तो आइए इसको क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये बहुत सारे जो है फ्री जो है बैकग्राउंड हैं,
इनमें से आपने ब्लैक वाला सेलेक्ट करना। तो ये देखिए नीचे आ गया, तो जब ये आ गया है नीचे तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखिए इसका टाइम पीरियड आ चुका है, लेकिन अब हमने इस टाइम पीरियड को बढ़ाना है, यानी आपकी जो ओरिजिनल वीडियो जिसमें आपने एडिट करना है उसके टाइम के हिसाब से आपने इसको टाइम बढ़ाना है। तो किस तरह बढ़ाएंगे, इसके सेंटर में आप क्लिक कीजिए और ये देखिए येलो में आउटलाइन येलो हो गई। अब हम इसको अपने फिंगर की मदद से और या थंब की मदद से इसको हम राइट साइड पर ड्रैग करेंगे। तो देखिए जितना आप ड्रैग कर रहे हैं उतना ही इसकी जो है टाइमिंग बढ़ रही है। तो एटलीस्ट आपकी वीडियो जितनी भी हो उसके हिसाब से आपकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट की जो है सेट कर देता हूँ। यहाँ हमने टॉप पर क्लिक करके इसको ओके कर लेंगे। अब ये फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, स्टेप में आपने जो स्मोक वाला बैकग्राउंड जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया है गूगल से या यूट्यूब से फ्री वाला, वो आपने सेलेक्ट करना है जो भी आप लगाना चाहें। उसके लिए हम अब ये ऑप्शन है लेयर, इसमें जाएंगे, लेयर वाले ऑप्शन में गए और फर्दर ये मीडिया के ऑप्शन में गए। तो अब मैंने देखना है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने कहाँ पर रखा। तो मैं नीचे जाऊँगा तो मैंने फ़र्ज़ करें कि ये एक बैकग्राउंड है ऑरेंज वाला स्मोक का, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। हमने क्या करना है कि ये जो बॉक्स के अंदर जो एरो है इसकी मदद से इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको पूरी स्क्रीन पर ले आना है और ला के छोड़ देना है। इसको हमने क्लिक करके ओके कर दें। अब हम फिर प्ले करते हैं, प्ले करके देखें। तो जब हम प्ले करके देखा तो इसकी आवाज़ आ रही है, इसकी वॉइस, अगर हम आप चाहें तो इसकी वॉइस ख़त्म कर सकते हैं यानी कि ऑफ़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसको दोबारा यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और ये देखिए ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है कैंची का, सेटिंग का और एक स्पीकर का। स्पीकर में जाके हमने लेफ़्ट साइड के जो ऊपर वाला ऑप्शन है इसको हमने रेड में क्लिक कर देना है, मीन्स के आपकी इस स्मोक इफ़ेक्ट की जो वॉइस है वो ऑफ हो चुकी है। इसको हमने क्लिक करके ओके कर दिया। अब हमने क्या करना है कि थर्ड स्टेप हमारा ये है कि हमने वो वीडियो लेनी है, वो ग्रीन वीडियो जो कि आपने इसके अंदर लानी है इस बैकग्राउंड में, तो वो भी आपने ऑलरेडी डाउनलोड होनी चाहिए, की होनी चाहिए आपने ऑलरेडी पहले से। मैंने ऑलरेडी वो डाउनलोड की हुई है, तो आइए चल के देखते हैं। तो हमें उसके लिए फिर से लेयर में जाना पड़ेगा, लेयर से फिर मीडिया में जाना पड़ेगा और अब मैंने वो वीडियो देखनी है जो ग्रीन बैकग्राउंड में है। तो ये देखिए ये मेरी वीडियोज़ हैं कुछ जो मैंने ग्रीन बैकग्राउंड में की हुई हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली कोई भी एक ले लेता हूँ, फर्ज़ करें मैंने ये ली और मैंने इसको भी चाहूँ तो मैं इसको और ऊपर कर सकता हूँ, या अगर मैं बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ आधा या फुल तो मैं इसको अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, अब ये देखिए कि ये कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नीचे राइट साइड पे। इसमें एक ऑप्शन है सबसे नीचे क्रोमा की। तो क्रोमा की जो है उसकी मदद से ये जो ग्रीन बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इसको क्लिक कर दें और यहाँ आके ऊपर इसको हम इनेबल कर देते हैं। तो ये देखिए कि बैकग्राउंड इसका ग्रीन से ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको ओके करेंगे और यहाँ प्ले करके देखते हैं वीडियो। दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से आपने इस वीडियो की, अपनी कोई भी वीडियो की है लेकिन वो शर्त यही है कि वो ग्रीन में होना चाहिए, वो आप किस तरीके से उसमें बैकग्राउंड में स्मोक ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को अगर आप सेव करना चाहें तो यहाँ पर सिंपली एक ऑप्शन है शेयर का, हम सिंपली इसमें जाएंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये आपकी वीडियो सेव होना शुरू होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप जान गए होंगे किस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर जो है स्मोक इफ़ेक्ट्स
न सिर्फ ये कि स्मोक इफेक्ट्स बल्कि आप कोई और भी इफेक्ट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वीडियो में बैकग्राउंड में, और जो कि बहुत ही नहायत ही सिंपल तरीका है, और वो भी काइन मास्टर एप्लीकेशन के ज़रिए आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं, सिंपली मेरे जो स्टेप हैं वो फॉलो करते हुए। फिर भी आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती, परेशानी होती, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो मैं आपकी मस्ट इसका रिप्लाई करूँगा।